हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। और मेरे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इम्प्लांट और ब्रिजेस का डिफरेंस क्या होता है। इम्प्लांट में क्या होता है कि आपका जहां पे दांत मिसिंग है, जहां पे आपने दांत निकलवाया है, वहां पे सिर्फ आपका एक इम्प्लांट डालते हैं। इम्प्लांट जो आप बोलते हैं, जो आप लोग बोलते हैं, जैसे स्क्रू जैसा रहता है, तो वो डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं। तो वो डेंटल इम्प्लांट्स रस्ट फ्री होता है कम्प्लीटली, एंड वो टाइटेनियम का बना हुआ होता है। तो वो जो इम्प्लांट रहता है वो आपको डायरेक्टली बोन को सपोर्ट करके और उसके ऊपर आपको डेंटल क्राउन दे दिया जाता है। इसमें क्या होता है, एडवांटेज है इसका कि आपका जो सराउंडिंग टीथ होते हैं उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है, अनलाइक आपके डेंटल ब्रिजेस जो होते हैं। जो कि आपका ब्रिज में क्या होता है कि आपको अगर सपोज आपका एक दांत मिसिंग है तो हम साइड के जो दांत होते हैं उसका हमें सपोर्ट लेना पड़ता है। ब्रिज मीन्स आपको दो पिलर्स को होने चाहिए, तो आपको वहां पे दो दांत का सपोर्ट लेते हैं और उसके बाद आपको एक ब्रिज देते हैं। जैसे आपका यहाँ पे ये एक दांत निकला हुआ है, ठीक है, तो आपको इसके ऊपर ऐसे करके डेंटल कैप देते हैं। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे दांत निकला है तो आपके जो आजू बाजू के जो दांत होते हैं साइड के, उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और ये इम्प्लांट में नहीं होता है। इम्प्लांट में जहां पे आपका मिसिंग है दांत, जहां से आपने दांत निकलवाया है, सिर्फ वहीं का आपकी हड्डी का सपोर्ट लेते हैं, यहाँ पे इम्प्लांट डालते हैं और उसके ऊपर आपको कैप दे देते हैं। इसके जो साइड के जो दांत होते हैं उसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और आपको अगर डेंटल ब्रिज में आप जाते हैं तो आपको जो बाजू के जो दांत होते हैं साइड के, उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये एक एडवांटेज है इम्प्लांट का। एंड अगर आप यंग एज हैं तो यस, आई विल सजेस्ट कि आप इम्प्लांट्स में ही जाइए। एंड अगर सपोज कोई डेंचर वेयर कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी डेंचर बाहर निकल जाता है, तो जो डेंचर आप पहन रहे हैं उसी डेंचर को आप इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो डेंचर है वो इम्प्लांट के ऊपर फिक्स हो जाता है और आपको एक बार ही लाइक कभी भी आप मील्स के बाद आप बस वो निकाल करके आपको क्लीन करना होता है। एंड यस, अगर आप ब्रिज जा रहे हैं या इम्प्लांट जा रहे हैं या डेंचर को आप इम्प्लांट करवा रहे हैं, आपको ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करना होता है। अगर सपोज आपने रूट कैनाल करवाया है और उसके ऊपर आपने डेंटल कैप लगवाया है और आपने ओरल हाइजीन नहीं सही से मेंटेन करेंगे तो फिर जो रूट कैनाल है वो फेल हो जाता है। वैसे ही अगर आपने इम्प्लांट करवाया हुआ है और उसके ऊपर आपने डेंटल क्राउन करवाया है और आप ओरल हाइजीन सही से मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको जो इम्प्लांट है वो फेल हो जाएगा। ओरल हाइजीन सही से मेंटेन करना मीन्स आपका जहां पे भी कैप है वहां के सराउंडिंग एरिया को साइड से, टंग के साइड से, चीक के साइड से अच्छे से क्लीन करना है। जब भी आप मील लेते हैं या आप स्मॉल स्नैक्स भी लेते हैं तो भी आपको वहां पे क्लीन करना है। वहां पे आपका खाना चिपक के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे खाना रह जाएगा तो फिर आपका जो ट्रीटमेंट है, जो भी आपने करवाया है रूट कैनाल या फिर आपने इम्प्लांट करवाया है, तो फिर वो फेल हो जाएगा। और अगर सपोज आपका रूट कैनाल नहीं किया हुआ है, सिर्फ आपको ब्रिज दिया गया हुआ है, तो भी आपको फिर कैविटी लगने की चांस होती है, क्योंकि अगर आपका खाना वहां पे चिपक के रहेगा तो कैप के साइड के जो दांत होते हैं वो आपको कैविटी लगने के चांसेस होते हैं। क्योंकि पेशेंट बोल लेते हैं कि मेरा तो कैप लगा हुआ है, तो कैप लगता है तो उसके आगे का टीथ आपका खराब हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। जब आप सही से ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे तो आपका कैप के आजू बाजू के जो दांत रहते हैं वो सही से रहेगा, कैविटी फ्री रहता है। एंड यस, अगर आपने इम्प्लांट करवाया है तो भी आपको सही से ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। एंड ये है डिफरेंस आपका इम्प्लांट का
और आपका जो ब्रिज है उसका। ओके, और कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए मुझसे, आई विल ट्राई कि मैं आपको आंसर दूंगी। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज शेयर एंड लाइक। थैंक यू।